नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV24 न्यूज में। मैं हूं प्रियंका साहू और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। बढ़ते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी मदद। यूक्रेनी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिन झापरोवा ने ये पत्र एक बैठक के दौरान विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को दिया। पत्र में दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ अतिरिक्त मानवीय सेवा सहायता की देने की बात लिखी है। अमेरिका का श्रीलंका में मिलिट्री बेस बनाने से इनकार। श्रीलंका में अमेरिकी एम्बेसडर जूली ने चुंग ने कहा कि श्रीलंका हिंद प्रशांत महासागर का एक अहम देश है, लेकिन अभी हम यहाँ कोई आर्मी बेस बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। चुंग ने इशारों में ये भी कह दिया कि श्रीलंका के हालात पर अमेरिका की पैनी नजर है और अमेरिका अफसर यहाँ के दौरे करते रहेंगे। कई महीने से अमेरिका के टॉप आर्मी अफसर लगातार श्रीलंका के दौरे करते रहे हैं। म्यांमार की सेना ने मंगलवार को पाजीकी शहर में जेट से बमबारी और लगातार 20 मिनट तक फायरिंग की। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें दर्जनों महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आर्मी ने ये हमला तब किया जब पाजीकी शहर में पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस खोल रहे थे। दरअसल ये फोर्स देश में मिलिट्री शासन के खिलाफ अभियान चला रही है। अमेरिका के लीक हुए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से बड़े खुलासे हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन की स्पेशल मिलिट्री फोर्स यूक्रेन में तैनात की गई है। इसके अलावा अमेरिका की 14 टुकड़ियां भी यूक्रेन में मौजूद हैं। यूक्रेन में ब्रिटेन के विरोध बलों की 50 टुकड़ियां हैं, जो वहां सबसे बड़ी विदेशी फौज है। इसके बाद नाटो के कई दूसरे देशों की टुकड़ियां भी मौजूद हैं। इसमें लातविया की 17 टुकड़ी, फ्रांस की 15 और नीदरलैंड्स की एक टुकड़ी शामिल है। जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग से पाकिस्तान बौखला गया है। उसमें इसे कश्मीर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कश्मीर मुद्दे का हल UN चार्टर के हिसाब से होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक पाकिस्तान विरोध करता रहेगा। भारत ने शुक्रवार को G20 का इवेंट कैलेंडर जारी किया था, जिसके मुताबिक U20 की मीटिंग श्रीनगर, लेह और लद्दाख में होगी। इन्हें अप्रैल के आखिर और मई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बुधवार को वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। ट्रेन जयपुर से सुबह करीब 11:30 दिल्ली कैंट के लिए रवाना हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने 17 मिनट का भाषण दिया। वहीं उन्होंने गहलोत का समय निकालकर कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आभार व्यक्त किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले। ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। मुलाकात के बाद नीतीश और राहुल ने मीडिया से बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है। वहीं राहुल गांधी ने इसे अपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे कहा। उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी माफिया अतिक अहमद बुधवार शाम 6 प्रयाग की नैनी जेल पहुंचा। अतिक को उमेश पाल हत्याकांड केस में गुरुवार को CJM कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके भाई अशरफ को भी इसी केस में पुलिस बरेली में प्रयागराज ला रही है। इससे पहले अतिक ने यहां मीडिया से कहा था कि आपकी वजह से ही मैं सुरक्षित हूं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी के अफसर थर्ड डिग्री टॉर्चर देकर लोगों से जबरन बयान लिखवा रहे हैं। ईडी ने चंदन रेड्डी नाम के व्यक्ति को इतना पीटा कि उसके कान के पर्दे फाड़ दिए। संजय ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई। वहीं चंदन रेड्डी ने अपनी याचिका में बताया कि वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जो ईडी अधिकारी नहीं थे और उन्हें मारपीट कर रहे थे। संजय सिंह ने सवाल किया कि वे कौन है जो गुंडे हैं जो ईडी ऑफिस में मारपीट और जबरन बयान लिखवाते हैं। इसका खुलासा होना चाहिए।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। उनकी याचिका पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी ने आज अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में बुधवार सुबह हुई फायरिंग में सेना के 4 जवानों की मौत हो गई। ये जवान 80 मीडियम रेजिमेंट के थे और ऑफिसर्स मेस में गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। पुलिस और सेना की टीमें मिलकर इसका जांच कर रही हैं। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि गोली मारने वाले 2 लोग सिविल कपड़ों में अंदर आए थे। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही है। बठिंडा पुलिस ने इसमें टेरर एंगल से जांच करने की भी बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान मंगलवार को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अन्य प्रमुख मुद्दों के साथ साथ डेट वल्नरेबिलिटी पर चर्चा की। मार्च में रिटेल महंगाई दर घटकर 5.66 पर आ गई है। फरवरी में महंगाई दर 6.44 रही थी, जो रिजर्व बैंक के टॉलरेंस लेवल 2 से 6 से ज्यादा थी। वहीं जनवरी में महंगाई 6.52 रही। खाने पीने के सामान के दामों में गिरावट से महंगाई घटी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाद्य पदार्थों की होती है। बिरनपुर मामले में सीएम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि जशपुर मामले में बीजेपी की जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन बिरनपुर मामले में जांच के लिए कोई कमेटी गठित नहीं की है। भाजपा के लोग आग में पेट्रोल डालकर प्रदेश में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने घटना के गुनाहगारों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। बिरनपुर की घटना को लेकर बीजेपी के न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। चंद्राकर ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका के आने से परिवर्तन होगा, ये मन बहलाने के लिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। उनके ही नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ा गया था, जहां कांग्रेस की सीटें ही कम हो गई थी। धान खरीदी पर विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता भरत नाहर ने कहा कि सरकार का प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय किसानों के हित में है। विधायक चंद्राकर द्वारा सरकार के फैसले को धान की तस्करी कहना किसानों का अपमान है। नाहर ने कहा कि सरकार का यह फैसला भाजपा नेताओं के गले नहीं उतर रहा, इससे स्पष्ट है कि भाजपा किसानों का भला नहीं चाहती है। बेमेतरा जिले में हुए घटना को लेकर महासमुंद लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। वहीं बेमेतरा घटना को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर सांसद चुन्नीलाल साहू ने पलटवार किया। सांसद साहू प्रधानमंत्री गोदग्राम पंडित राई में सामाजिक न्याय संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले 20 युवाओं का गमछा भेंट किया। मैनपाट के उरांगा गांव के ग्रामीणों ने राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों पर भूमि का पट्टा अवैध रूप से जारी किए जाने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि कर्मचारियों ने मिलीभगत से एक प्रभावशाली परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर स्कूल की भूमि और लगभग 100 एकड़ की राजस्व भूमि का पट्टा अवैध रूप से जारी किया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से जारी पट्टा निरस्त करने के साथ ही इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भिलाई के शिवनाथ इंटक वेल के मेंटेनेंस को लेकर पानी के सप्लाई एक दिन के लिए बंद की जाएगी। इसे लेकर कलेक्टर ने दोनों ही निगमों को ताकीद दी है। निगम आयुक्त भिलाई रोहित व्यास ने बताया कि शटडाउन के कारण 2 दिनों तक निगम के पूरे इलाकों में आंशिक रूप से जल वितरण प्रभावित रहेगा, जिसकी पूर्ति के लिए टैंकरों के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। जांजगीर चांपा के जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी संघ ने बताया कि पामगढ़ ब्लॉक के सहकारी
सहकारिता निरीक्षक ने क्षेत्र में संचालित 16 सहकारी समितियों के कर्मचारियों से अवैध उगाही के लिए दबाव बनाया। पैसा नहीं देने पर जेल भेज देने की भी चेतावनी दी गई। चेतावनी में कहा गया कि जब तक कैलाश कश्यप का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत लगभग 18,000 स्थायी कर्मचारियों को 39 महीने का एरियर नहीं मिला। इसकी मांग को लेकर ढोल धमाल के साथ बीएसपी वर्कर्स यूनियन ने बोरिया गेट पर प्रदर्शन किया है। यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि सेल प्रबंधन और एनजेसीसी समिति कर्मचारियों के गंभीर मांगों को संवेदनशील उनके प्रति नहीं हो रही है। धर्मजयगढ़ के एसडीएम कार्यालय के पूर्व बाबू राजकुमार सदार का एक और कारनामा सामने आया है। नए मामले में एक अधेड़ ग्रामीण महिला से मुआवजे की रकम हड़पने की बात सामने आई है। महिला ने मीडिया को बताया कि तत्कालीन बाबू राजकुमार सदार ने उससे 71,000 रुपए की ठगी की है। धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये मानव तस्कर युवतियों को दूसरे राज्य में काम दिलवाने का झांसा देकर ले जाया करते थे। पुलिस ने तस्करों से एक युवती को भी बरामद किया है जिसे तीनों बेचने के फिराक में थे। तीनों तस्कर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बेमेतरा के सीमावर्ती और संवेदनशील जिला कवर्धा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी बीच कलेक्टर और एसपी ने कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता की। उन्होंने जिलेवासियों को शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया में गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। तनाव को देखते हुए संवेदनशील इलाके समेत जिले की सीमा पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं और साथ ही पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने पदाधिकारियों पर हो रही बर्बरता पूर्वक कार्यवाही को लेकर 13 अप्रैल को काम बंद करने की हड़ताल के निर्णय लिए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एक महीने के अंदर दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो वे अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। सरगुजा जिले से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है जहां घर में बेटी के जन्म होने से नाराज पिता ने नवजात को कुआं में फेंक कर मार डाला। कुएं से पानी लेने के लिए गए गांव के कुछ लोगों ने नवजात का शव देखा। घटना की जानकारी पूरे गांव में फैल गई। पिता ने बचने के लिए शव को कुएं से निकालकर जमीन में दफना दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर जिले के मोहरा एनिकट रामनगर में एक युवक का शव मिला। शव को गोताखोरों ने बाहर निकाला। शव 18 वर्षीय स्थानीय युवक का है। शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद भेजने के बाद पुलिस हत्या या आत्महत्या का मामला का पता लगाने की कोशिश कर रही है। रायपुर के संतोषी नगर ओवरब्रिज के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। ट्रक में रेत भरी हुई थी जो पूरे सड़क पर फैल गई, जिसकी वजह से अन्य दुर्घटना होने की भी संभावनाएं बनी हुई है। दुर्घटना में ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। जख्मी ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजिम के पंडितराई में भाजपा मंडल ने सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सांसद चुन्नीलाल साहू शामिल हुए। सांसद चुन्नीलाल ने बताया कि 4 से 14 तारीख तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम मना रहे हैं। इसी कड़ी में इसमें पंडितराई के 20 युवकों को बीजेपी में भी प्रवेश किया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए लगभग 2,00,000 कंगला मांझी सैनिकों ने दंतेश्वरी माता को सलामी दी है। मांझी सैनिक राजमाता और राजकुमार केडी कांगे के साथ दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां सभी ने दंतेश्वरी माता के दर्शन किए। इन मांझी सैनिकों के अलग ही समानांतर दुनिया है। उनकी सरकार में अपनी मंत्री और पुजारी तक है। ये सैनिक निस्वार्थ भाव से इस सेना से जुड़े हुए हैं।
कोंडागांव जिले में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसपी दिव्यांग पटेल ने पुलिस के 100 जवानों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च शहर के मुख्य चौक चौराहों सहित हाईवे से गुजरा। इस बीच एसपी पटेल ने कोतवाली थाना प्रभारी को अतिरिक्त बल के साथ प्रतिदिन पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। सुकमा जिले में आयोजित मंडाई मेले में मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। मेले में लखमा ने अलग अलग गांवों से आए देवी देवताओं के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर विजय स्तंभ की स्थापना कर पूजा अर्चना भी की। मंत्री लखमा ने देवी के गीतों और वाद्य यंत्रों पर आदिवासी रीति रिवाज के तहत स्वयं पर कोड़ा भी मारा और भक्ति में झूमते नजर आए। कोरोना ने फिर दस्तक देना शुरू कर दिया है। सूरजपुर के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में एक साथ 17 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और कोरोना से निपटने के लिए जिले में पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं डॉक्टर अजय मरकाम ने बताया कि सभी बच्चे सर्दी खांसी से पीड़ित हैं। इसके बाद हॉस्टल में कैंप लगाया गया और सभी बच्चों का टेस्ट करवाया गया, जहां कुल मिलाकर 17 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें वहीं एक कमरे में बंद रखकर इलाज किया जा रहा है। बीजापुर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। आश्रम में पढ़ने वाले 18 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसे लेकर जिले में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। बता दें कि बालक आश्रम हिंगुम और छोटे पल्ली में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इन बच्चों को क्वारंटाइन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षा योजना स्वामी आत्मानंद विद्यालय का कोरबा जिले में 42 स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। जिला प्रशासन ने शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले नए टेंडर के जरिए कार्य पूर्ण कराने का आदेश दिया है, जिसमें अलग अलग स्वीकृति के हिसाब से स्वच्छंद प्रतिस्पर्धा होने के सभी वर्ग के ठेकेदार भी भाग ले सकते हैं। भाजपा महिला मोर्चा की जगदलपुर इकाई ने एक दिवसीय विरोध धरना का आयोजन किया है। मोर्चा ने भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रदेश में 4000 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म, 1600 का यौन उत्पीड़न और शराबबंदी से इनकार और कमीशन खोरी का उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले के ग्राम बिरनपुर की घटना में मृतक के परिवारजनों से दूरभाष पर चर्चा की और परिवारजनों को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दुख के इस क्षण में आपके साथ हैं, आपके परिवार को न्याय मिलेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के पिता ईश्वर साहू ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने इस संकट के समय जो पहल की है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों भावी अवश्यम भावी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ पीसीसी चीफ कमलनाथ के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर अब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी सोशल मीडिया पर अपना प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर मध्य प्रदेश कमेटी के एक पत्र जारी किया गया, जिसमें एक शब्दों के इन ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। वहीं मामले पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रभारी राजीव सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सख्त निर्देश दिए हैं, कोई भी व्यक्ति पार्टी में अपना उम्मीदवार का दावेदारी कर सकता है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा का शिक्षकों को नियुक्ति पर बयान दिया है। शर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में आज भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। सरकार ने 22,461 शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। इसके अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में 11,885 और शेष 10,576 शिक्षक जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए जाएंगे। सीहोर जिले के बरखेड़ा सालम में राणा सांगा राजपूत सेना ने राणा संग्राम सिंह का जयंती महोत्सव मनाया, जिसमें राजपूत समाज और सनातनी हिंदू बड़े संख्या में उपस्थित रहे। स्वर्गीय श्री बने सिंह परमार और
स्मृति में रक्तदान और निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। साथ ही समाज के लिए काम करने वाले युवक और युवतियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TV24 न्यूज। नमस्कार।